तो मैं आज आपको देने वाला हूँ आपके चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ गुरप्रीत अपनी समर क्लास में जा रही है, मतलब गर्मी का टाइम है और वो दोपहर के टाइम अपनी क्लास जा रही है, हॉबी क्लास, और उससे बचने के लिए आप उसको क्या सजेशन दोगे ताकि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया था, अब आपका आंसर यहाँ से रहेगा। ये आपका पहले क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, यहाँ लिखा है ना आंसर, गुरप्रीत कैन कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम हॉट सन रे, शी शुड वियर कॉटन क्लोथ, ठीक है, एंड सनग्लासेस पहन सकती है वो, एंड सनस्क्रीन लोशन लगा सकती है, इससे वो अपने आप को गर्मी से बचा सकेगी। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड टेल, इफ़ द वाटर कलेक्ट इन द फील्ड ड्यू टू हैवी रेन द क्रॉप ग्रोइंग देयरफॉर वाई, जो क्रॉप है वो रॉट क्यों हो जाएगी ना, देयरफॉर देयर रॉट वाई, द रॉट ऑफ द क्रॉप स्टार्ट, जो जो रूट है, रूट जो क्रॉप्स की है रॉटिंग, इफ़ द वाटर कलेक्ट इन द फील्ड फ्रॉम 3 to 4 days, इफ द रूट रॉट द रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स रॉट ड्यू टू हार्श विंड ग्रेन इन द क्रॉप्स सेपरेट एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, दिस रिजल्टिंग इन द स्पीडी ऑफ रॉटिंग ऑफ द क्रॉप, देयरफॉर इफ द वाटर कलेक्ट इन द फील्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसके लिंक में जाओ, आपको नीचे लिंक क्लिक करो, आपको वहाँ वो चैप्टर मिल जाएगा। तो पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। क्या करोगे, इस वीडियो की लिंक में आपको चैप्टर दिया हुआ होगा, वहाँ पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप चैप्टर के फॉर्म में पहुँच जाओगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आंसर ये बता रहा है कि जो पानी भरने की वजह से ना जो क्रॉप्स की जड़ है वो सड़ जाएगी, और जब जड़ सड़ जाती है तो क्रॉप भी धीरे धीरे सड़ना लगता है, पूरा क्रॉप सड़ जाता है, रेस्ट ऑफ द प्लांट, और ये किस वजह से होता है, हार्श हो जाता है, मतलब उसको उतना पानी चाहिए नहीं होता, उसके लिए ओवर हो जाता है, और इस वजह से वो खुद की रूट से सेपरेट हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। और इस तरीके से अगर किसी फील्ड में पानी ज़्यादा हो गया तो उसका प्लांट जो है वो रॉट यानी सड़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नॉट गेट गुड क्रॉप इफ डू नॉट गेट गुड रेन, अगर अच्छी क्रॉप्स हम लोग को क्यों नहीं मिलती अगर अच्छा रेन नहीं होता है रेनी सीजन, बिकॉज ऑफ क्रॉप नीड सफिशियंट वाटर फॉर देयर ग्रोथ, इफ इट डज नॉट गेट इनफ रेन द क्रॉप कैन नॉट ग्रो, अगर क्रॉप को ना पढ़ने के लिए पानी चाहिए ना, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा जितना उसको चाहिए तो क्रॉप कैसे ग्रो होगी, तो ये इसका आंसर है, तो क्रॉप ग्रो नहीं होगी। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका, वाई डज द इंडियन रेड स्नेक धामन लिव अराउंड द फील्ड, धामन जो है वो फील्ड में क्यों रहते हैं, द इंडियन रेड, तो इसका आंसर होगा द इंडियन रेड स्नेक धामन ईट रेड फॉर सर्वाइव, अपने जीने के लिए उसको चूहा खाता है, ही इज इजली फाउंड विच ही इज इजली फाउंड इन द फील्ड, और चूहा उसको इजिली फील्ड में मिल जाता है, देयर फॉर द इंडियन रेड स्नेक लाइव अराउंड द फील्ड, इसलिए वो फील्ड में रहता है ताकि उसको इजिली वहाँ से चूहा खाने के मिल जाए, और इसको फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि चूहा जो है वो फसल ख़राब कर देता है ना, तो ये चूहे को जाके खा लेता है तो फार्मर की फसल भी बच जाती है, ठीक है। अब आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो आपका जो लास्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ देयर आर फनी फरी, फरी मतलब जिसको बहुत सारे बाल होते हैं मखमल जैसे, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट जिसको बाल होते हैं ना जिस एनिमल को, उसको फरी एनिमल कहा जाता है, लिविंग इन अ स्नोई रीजन वुड देयर कोट बी देयर थिक और स्पेयर, उस पर जो स्नोई रीजन में रहने की वजह से जो उनका ऊपर का कोट होता है वो थिक हो जाता है और स्पेयर हो जाता है, मतलब स्पर्श यानी पूरा बालों से भरा हुआ होता है, द कोट ऑफ द फरी एनिमल लिविंग इन स्नोई रीजन आर थिक इफ कीप इफ द वॉर्म एंड ड्यूरिंग द विंटर, इसलिए क्यों रहता है वो पूछा है ना, तो जो इनका फरी एनिमल का कोट रहता है वो इसलिए रहता है स्नोई रीजन वालों का थिक, ताकि वो अपने आप को वार्मर यानी वार्म रख सकें, गर्म रख सकें, और अपने आप को विंटर सीजन से बचा सकें यानी ठंड से बचा सकें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट मैन और फाइंड आउट,
विच फ्रूट आर फॉलोइंग प्लेस इन महाराष्ट्र फेमस, महाराष्ट्र में कौन सा फ्रूट किस जगह पर फेमस है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको नागपुर, नागपुर में ऑरेंजेस फेमस है, फिर घोलवाड़, घोलवाड़ में चीकू फेमस है, फिर सासवाड़, सासवाड़ में फिग फेमस है, फिर देवगढ़, देवगढ़ में मैंगो फेमस है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जलगांव, जलगांव में बनाना फेमस है। तो आप जब भी इन सारी प्लेसेस पे जाओ तो वहाँ के फेमस फ्रूट ज़रूर खाना और मेरे लिए भी लेके आना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ आर द प्लांट यूजफुल टू अस, प्लांट हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो ठीक है देख लेते हैं। प्लांट गिव अस फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट। प्लांट हमें फूड क्या देता है, ग्रेन देता है, फूड देता है, वेजिटेबल्स देता है और फ्रूट भी देता है। वी लव फ्लावर टू, हम फ्लावर भी बहुत पसंद करते हैं, फ्लावर को भी। वी यूज़ फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस, फ्लावर को हम बहुत अलग अलग डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट एंड ऑल्सो गेट कॉटन, प्लांट से ही हमें फ्लावर भी मिलता है और प्लांट से हमें कॉटन वूल मिलता है, फ्रॉम प्लांट टू मेक कॉटन क्लोथ, जिससे हम कॉटन क्लोथ बनाते हैं। फ्लावर भी मिलता है प्लांट से हमें, फ्रूट भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी मिलता है, ग्रेन भी मिलता है और कॉटन वूल भी मिलता है, जिससे हम कॉटन क्लोथ बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, आर्बोरियल मतलब होता है कि ऊंचाई पर रहने वाला, यानी जो ऊंचाई पर रहता है। आर्बोरियल, आर्बोरियल एनिमल मीन्स द एनिमल लिव ऑन द ट्री। सिंपल आंसर है आपका कि जो ऑन द ट्री होगा, यहाँ पे आपको इन द ट्री नहीं लिखना है, इसको ध्यान देना, ऑन द ट्री आपके यहाँ पे वहाँ की बहुत कटेंगे ना, ऑन द यानी ट्री के ऊपर रहता है, ट्री पे रहता है, ट्री में नहीं रहता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं आपके फिलअप, यानी फिलअप मैचअप की वजह से। तो आपका फिलअप है, फर्स्ट फिलअप आपका है, ये हमने यहाँ तक सब कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फिलअप है आफ्टर, मतलब आफ्टर डैश विंटर कम। तो मैंने आपके लिए फिलअप पूरे कंप्लीट करके रखे हैं, डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ वो पार्ट पे, वेट। तो आपका पहला आंसर है आफ्टर मानसून विंटर कम्स अगेन, हर मानसून के बाद विंटर्स वापस आ जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है वी कीप एनिमल बिकॉज एनिमल मीट सम ऑफ आवर नीड्स, हम एनिमल को अपने पास रखते हैं क्योंकि उनसे हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी होती है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है वी स्प्रे डैश, तो ये पेस्टिसाइड है, स्पेलिंग है इसका PESTICIDE, टू प्रिवेंट इंसेक्ट। पेस्टिसाइड में क्या होता है, मतलब एक तरीके से ना ये आप जहर मान सकते हो जो इंसेक्ट के ऊपर डाला जाता है ताकि वो मर जाए और क्रॉप्स को ख़राब ना करे। टू प्रिवेंट मतलब बचाना इंसेक्ट फ्रॉम द अटैकिंग ऑफ प्लांट, प्लांट पे अटैक करते हैं ना आके उनको खा लेते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विंटर इज ऑल्सो नोन एज सीजन ऑफ डैश, तो इसको पांगल सीजन भी बोलते हैं। यहाँ पर ना डबल ए होगा, पी ए पांगल, यहाँ पे आपको स्पेलिंग है इसका पी डबल ए एन जी ए एल पांगल, ये आपका स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसको लिख लोगे आप पांगल सीजन। तो अगर आपको और भी नेक्स्ट चैप्टर के भी आंसर चाहिए या जो भी आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। जिस भी चैप्टर का आपको आंसर चाहिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, कोई भी स्टैंडर्ड का हो, मैथ्स हो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो सारे चैप्टर का लिंक मैंने दिया हुआ है, वीडियो के लिंक में जाके देख लें या तो फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़।